Dear students, welcome to my online classes. My name is Nandkishore Prajapat and my YouTube channel name is The Knowledge World. मैं अपने विद्यार्थियों के लिए इस लॉकडाउन के टाइम में उनकी आने वाली बोर्ड की क्लासों के लिए 10th और 12th की क्लासों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे इस चैनल के माध्यम से इन वीडियोस के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th RBSE राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके ऊपर उस सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे। कैसा सिलेबस है, पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर के कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में हम आज देखेंगे। तो मैं बोर्ड में आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वे अभी से आने वाली अपनी क्लासों के लिए प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को बोर्ड की क्लासों के लिए तैयार रखें, ताकि जब रेगुलर क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाए स्कूलों में, उससे पहले ही आप अपने बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि को आप अपनी तैयार कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सिलेबस, सब्जेक्ट इंग्लिश का। आपका बोर्ड का जो पेपर है मैक्सिमम नंबर 80 नंबर का पेपर होगा एंड 20 मार्क्स जो है वो सेशनल हैं, जो आपके विद्यालय से भेजे जाते हैं, वो अटेंडेंस, उन बच्चों का बिहेवियर सब मिलाकर 20 नंबर। तो 80 नंबर का पेपर एंड 20 सेशनल मार्क होते हैं और टोटल 100 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा। ओके, नेक्स्ट। मैंने आपके सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड राइटिंग और थर्ड टेक्स्ट बुक। तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप नोटबुक लें, और कोई भी नोटबुक ओल्ड आपके पास पड़ी है पिछली क्लासों की, वो ले लें नोटबुक और सिलेबस आप नोट करें, ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है। आप एडवांस में किसी पासबुक से, गाइड बुक से या पुराने नोट से, उसमें से आप स्टडी कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग, रीडिंग पठन। ये पहला जो रीडिंग पार्ट है वो 15 नंबर का है। इसमें दो पैसेज होंगे आपके सामने पेपर में और ये सेक्शन ए होगा आपके पेपर में, ये सेक्शन ए होगा। तो फर्स्ट पैसेज है वो अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। उस पैसेज में आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको नीचे दिए हुए होंगे वहां पर, और तीन जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैब रिलेटेड होंगे। वोकैब रिलेटेड मतलब स्पेलिंग रिलेटेड, और जैसे सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे, वन वर्ड पूछ लेंगे, ऐसे वो तीन क्वेश्चन होंगे और 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपको पैसेज को पढ़कर उसमें से ही आंसर देने हैं, और वो पैसेज होगा आपका 9 नंबर का। उसी सेक्शन ए में दूसरा पैसेज नोट्स मेकिंग से रिलेटेड आएगा। नोट्स मेकिंग क्या है, क्लास 11th वालों के लिए एकदम न्यू है ये, मतलब 11th क्लास में नहीं था आपके, ये 12th क्लास में नोट्स मेकिंग का एक पैसेज आएगा। एक पैसेज दिया हुआ होगा, उसको रीड करना है अच्छी तरह से और उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालने हैं और उससे नोट्स मेकिंग बनानी है। इस नोट्स मेकिंग का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और नोट्स मेकिंग करना है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को और समरी भी बोलते हैं, SUMMARY, समरी। समरी और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना। जो पैसेज दिया हुआ होगा उसका छोटा रूप लिखना है
33% वापस हमें लिखना पड़ता है इम्पोर्टेंट लाइन्स एंड टाइटल। उस पैसेज का शीर्षक भी हमें लिखना पड़ता है कि ये पैसेज जो है किस टॉपिक पर है, शीर्षक देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से जैसे पार्ट का नाम देना है, टाइटल देना है। ये होगा आपके 6 मार्क्स का, यानी 6 और 9 15, तो ये पहला पार्ट जो है वो 15 नंबर का हमारा क्लियर है। सेकेंड राइटिंग, लेखन, ये पठन पढ़ने योग्य लिखने योग्य, ये 25 मार्क्स का है। ये 25 नंबरों का जो पार्ट है उसमें कंपोजिशन, रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल एंड स्पीच। कंपोजिशन रचना करना, इसमें 5 टॉपिक आएंगे आपके, नोटिस सूचना, इनविटेशन निमंत्रण, निमंत्रण पत्र, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, पोस्टर मेकिंग पोस्टर बनाना, चार्ट जैसे, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है किसी भी विषय पर उससे संबंधित पक्ष एंड विपक्ष, यानी फॉर एंड अगेंस्ट उसके बारे में लिखना पड़ता है। जैसे मोबाइल टॉपिक का नाम आ गया तो मोबाइल के फॉर यानी पक्ष में लिखेंगे कितना यूजफुल है और क्या क्या बातें हमें उसके संबंधित उपयोगी लगती हैं वो सब लिखेंगे, और अगेंस्ट मतलब मोबाइल के डीमेरिट उसके अवगुण लिखेंगे। ये होगा 4 मार्क। ये जो 5 टॉपिक है, नोटिस इनविटेशन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आर्ग्यूमेंट, इनमें से आपके पेपर में 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है और उसके 4 मार्क है। कौन सा आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मैं इस वीडियो में आने वाले वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। रिपोर्ट 1 out of 2, 2 रिपोर्ट आएगी उसमें से 1 करनी आपको, और दोनों किस प्रकार से आएगी, बेस्ड ऑन एन इवेंट, कोई घटना पर आधारित आएगी, और उसके सामने एक और आएगी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तथ्यात्मक वर्णन होगा वो बताया जाएगा। फिर ये कितने नंबर का, 7 मार्क का, 7 नंबर का। नेक्स्ट लेटर, राइटिंग में तीसरा पार्ट है लेटर का, लेटर बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर संपादकीय पत्र, जॉब लेटर नौकरी से संबंधित, जॉब से रिलेटेड लेटर होगा। ये 11th क्लास में लेटर है, एक इसमें से कुछ पढ़े होंगे आपने, वही 12th क्लास में वापस आएंगे। और लास्ट जो पार्ट है आर्टिकल यानी लेख, स्पीच यानी भाषण, लेख किसी टॉपिक पर, आर्टिकल लिखना, स्पीच भाषण लिखना, ये सब आपके सिलेबस के राइटिंग के सिलेबस में है, पार्ट में है। 4, 7, 7 और ये भी 7 मार्क का है आर्टिकल और स्पीच। तो ये हुआ 7, 14, 21 और 4, 25 नंबर का राइटिंग पार्ट। लास्ट है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक यानी आपकी पाठ्य पुस्तकें, वो 2 हैं। फर्स्ट का नाम नेम है रेनबो एंड सेकंड सप्लीमेंट्री जो बुक है वो है पेनोरमा। फर्स्ट जो बुक है रेनबो उसमें टोटल 11 लेसन्स हैं, 11 पार्ट हैं एंड 5 पोएम्स, 5 कविताएं हैं, और ये 11 लेसन 15 नंबर के और 5 जो पोइम है वो 10 नंबर की हैं। टोटल 25 मार्क्स, यानी फर्स्ट बुक जो है वो 25 मार्क्स की है रेनबो। सेकंड सप्लीमेंट्री बुक जो पेनोरमा है उसमें भी टोटल 11 लेसन्स हैं और उसके आपको 10 मार्क मिलेंगे। इन दोनों ही बुक में 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन एक एक आएंगे आपके पेपर में, बाकी 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट जो बुक है रेनबो उसमें जो ये पॉइंट है 5 वो 10 नंबर की है, उसमें 10 नंबर में 6+4 यानी उस पॉइंट के क्वेश्चन आंसर में से 6 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का पोइट्री पैसेज आएगा, ये आपके सिलेबस में रहेगा। ये सेक्शन ई है रीडिंग राइटिंग, सेक्शन बी
और टेक्स्ट बुक सेक्शन सी। तो आपका पेपर इन तीन सेक्शन में बटा हुआ है और ये सिलेबस आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही एम है कि आप इस अपने आने वाली क्लास का सिलेबस जानो ताकि आपको आप रेडी रहो आगे आने वाली क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए, कंपोजिशन पढ़ने के लिए। आपको पता रहे कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। मैं अपने अगले वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के कंपोजिशन जो पार्ट हैं ये स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट, इनमें से हम टॉपिक लेंगे। मेरे इस वीडियो से आप जुड़े रहें चैनल्स के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू वेरी मच।